Hello guys, you are watching HBTV Yuva, because it's time to be the youngster ka, and I'm your host Nahid. Welcome to your favorite show Celab Meet, jisme hum aapko milwate hain Bollywood aur TV industry ki famous hastiyon se. Well guys, aaj hamare saath maujood hain Kanwar Dhillon aur Tina, jo ki jald hi aapko Star Plus ke serial Ek Aastha Aisi Bhi mein nazar aane wale hain. Sabse pehle to Jaipur aane par aap dono ka bahut bahut swagat hai. Thank you. बहुत ही बढ़िया लगा आपका जयपुर. आई थिंक हम बारिश लेके आए हैं आज. बिल्कुल, इनके आते ही मौसम भी सुहाना हो गया है, तो यही कहेंगे कि ये अच्छा मौसम भी साथ लेकर आए. सबसे पहले मुझे ये बताइए कि एक आस्था ऐसी भी क्या कुछ खास है इसमें? आई थिंक एक आस्था ऐसी भी में सबसे खास है जो भगवान के लिए बिलीफ है. आई थिंक आप कोई भी शो में देखें तो एक आई थिंक एक लीनियर वे में एक बिलीफ चलती है भगवान की, कि यू नो एक प्रोटैगनिस्ट है, इसकी ये बिलीफ है, चलो स्टोरी चला लो. बट यहाँ पे दो अलग टाइप के लोग हैं जो कि शिव और आस्था हैं. तो शिव है जो शिव जी का भक्त है, घर वाले पूजा पाठ वाले हैं और घर में ही मंदिर है तो पूजा करते हैं, भगवान को बहुत मानते हैं. और वहीं एक लड़की है जो भगवान को अलग तरीके से मानती है. ऐसे लगता है कि इंसानों में ही भगवान है, तो अगर मैं इंसानों की मदद करूं तो वो भगवान की पूजा करनी होगी मेरे लिए. तो दो अलग टाइप के लोग हैं जो भगवान को मानते हैं लेकिन अलग अलग तरीके से. और प्लस उसके अलावा फैमिली ड्रामा है और मसाला है. कैसे दो तरह के अलग लोग जब मिल जाते हैं और जब एक दूसरे के बारे में सच्चाइयाँ इन्हें पता चलती हैं कि अच्छा तुम्हारी मेंटालिटी ये है, मेरी ये है, तो कैसे अकस्टम होते हैं एक दूसरे के साथ, क्या होता है क्या नहीं होता है, वो सब फिर आप देखिए सीरियल में. तो आई थिंक बहुत ड्रामा है हमारे शो में. यानी आस्था के साथ ड्रामा नजर आने वाला है. मुझे ये बताइए टीना कि इस सीरियल से आप डेब्यू कर रही हैं और लीड रोल के अंदर हैं, तो सबसे पहले कैसा महसूस कर रही हैं? मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मुझे ऐसा कैरेक्टर करने को मिला, बिकॉज आई कैन समवेयर कनेक्ट विद दिस कैरेक्टर. शी समबडी हु ट्राइज टू ऑलवेज डू गुड, दूसरों के बारे में सोचना, दूसरों की मदद करना. सो आई रियली रियली felt connected with this character, and of course with Star Plus, which is such an esteemed network, it number one channel hai India ka, so I'm really really happy and proud. आज वैसे हम आपको बता दें कि टीना जो है वो सीए हैं और लेकिन उनका ये शौक़ था कि उन्हें वो बॉलीवुड के अंदर लेकर आया और वो सीरियल से अपनी शुरुआत कर रही हैं. तो मुझे बताइए कि ये बचपन से शौक़ था या फिर सीए बनने की क्या कुछ खास वजह रही? सीए थोड़ा डिटोर हो गया एक्चुअली. तो मेरा मेन मकसद एक्टिंग करना ही था, वेदर इट वाज प्लेज और इवन वेब सीरीज़ और एनीथिंग. एंड आई थिंक विद अ टेलीविजन शो द बेस्ट बिट इज़, मुझे ऐसे लगता है कि मुझे एक्टिंग करने का मौका तो मिला ही, साथ में मुझे एक परिवार भी मिल गया, बिकॉज आई डोंट हैव एनी फैमिली इन मुंबई, सो आई गॉट अ फैमिली इज़ वेल नाउ. सो दैट्स द बेस्ट थिंग अबाउट डूइंग अ टीवी शो. वेल, मुझे ये बताइए टीना कि पूरा सीरियल आस्था के इर्द गिर्द घूमता है, तो आप कितनी आस्था रखती हैं भगवान में? मैं भी आस्था के जैसे एक सोच रखती हूँ कि एक अच्छा इंसान होना बहुत ज़रूरी है. बट जैसे आस्था ज़रूरी नहीं है कि मंदिर जाए एंड वहाँ पर प्रे करे, मेरा वहाँ पर थोड़ा सा अलग है, बिकॉज मैं आई गो एवरीवेयर. तो मैं हर जगह जाती हूँ, मैं कहीं भी नहीं छोड़ती. मैं गुरुद्वारे जाती हूँ, मैं मंदिर जाती हूँ, चर्च भी मैं जाती हूँ, एंड आई बिलीव दैट ऑल रिलीजन्स लीड टू वन गॉड. तो आप कहीं पर भी प्रे कर लो, भगवान आपको सुन ही रहे होंगे. एंड आई थिंक उन्होंने सुना भी है कि मुझे ये मौका मिला अभी तक. तो Yeah, that's my personal belief in God. अच्छा, मुझे कंवर आप बताओ, आप कितनी आस्था रखते हो? मैं मानता हूँ भगवान को, ऐसा नहीं है मैं नहीं मानता. पर हाँ, जिस तरह शिव इस शो में मानता है उतना नहीं मानता, या आप कह सकते हैं उतनी मैं मूर्ति की पूजा नहीं करता. बट अदरवाइज मैं बहुत मानता हूँ भगवान को, मेरी पूरी फैमिली मानती है. और अगर हमने इसका जो ट्रेलर देखा है शो का, उसमें हमें दिखा कि बहुत ज़्यादा ही ऐसी सोच रखने वाली फैमिली है जो बिल्ली रास्ता काट गई तो रुक जाए. और हमारी इंडियन मेंटेलिटी में ऐसा होता भी है कि किसी ने छींक दिया तो आप कोई शुभ काम नहीं, बिल्ली रास्ता काट गई तो कुछ नहीं. तो क्या ऐसे ही हैं कंवर, असली ज़िंदगी में भी कुछ ऐसा होता है? होता है, मेरे इर्द गिर्द होता है, तो मैं तो नहीं मानता बिल्ली रास्ता काटे या कुछ भी हो. बट ऑफकोर्स हम जो टीवी में दिखा रहे हैं ऐसे लोग होते हैं, और ज़्यादा करके घर के बुज़ुर्ग ही होते हैं जो मानते हैं. तो जैसे कि आपने प्रोमो देखा होगा, तो हमारी गुरु माँ ऐसी हैं हमारे घर में जिनके प्रति ये सब घर पे होता है. तो आई फील होती है ये सब चीज़ें, काला जादू हो, सुपरस्टिशन हो, ये सब कहीं ना कहीं होता है. तो आई थिंक ऑडियंस कनेक्ट करके देखती हैं.
ओके, यानी कुछ लोगों की सोच होती है और हर एक की सोच एक जैसी हो नहीं सकती। वेल, इसमें एक सीरियल की अगर हम बात करें तो इसमें कई सीनियर आर्टिस्ट भी आप लोगों के साथ हैं, तो उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? बहुत मज़ा आया। विवेक मोशान जी हैं जो इलू इलू बॉय से फेमस हैं, वो तो मैंने भी सुना हुआ है। जो मेरे पिताजी बने हैं मानसी सालवी जी हैं, जो मेरी माताजी बनी हुई हैं, इनकी माताजी बनी हैं अनीता कुलकर्णी जी। सो यू हैव अ गुड लाइनअप ऑफ सीनियर एक्टर्स, यू गेट टू लर्न। या यू गेट टू लर्न अ लॉट फ्रॉम देम बिकॉज दे आर सो पैली, दे आर सो ग्राउंडेड। हमारे जैसे ही हंसी मजाक चलता है सेट पे, उम्र में इतने बड़े हैं, बट अच्छा है, अब फैमिली हो चुके हैं। 3-4 महीने हो गए कि हम शूटिंग कर रहे हैं, तो नाउ वी नो देम रियली वेल। अच्छा, यानी आप जितने सीनियर आर्टिस्ट हैं उनके साथ तो काम करने में इजी रही, लेकिन कंवर तो ऑलरेडी कई शो कर चुके हैं और काफ़ी फेमस भी हैं, तो इनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा और क्या कुछ सीखा इनसे? अच्छा, मुझे नहीं, सच्ची में मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। मैंने इनकी डेडिकेशन देखी। आई थिंक इनको मैंने पर्सनली नहीं बताया, लेकिन अभी मैं बता देती हूँ। एक वॉइस ओवर कर रहे थे एक बारी, और मैंने देखा ये चार पाँच बारी उसको परफेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, एंड इट वॉज़ ओनली वन लाइन। तो मैं देख रही थी कि एक लाइन पर भी वो इतना डेडिकेशन के साथ काम करते, तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। एंड आई थिंक दैट समथिंग आई हैव लर्नड एज वेल, बिकॉज समटाइम्स यू कैन बिकम अ बिट लेजी। बहुत ज़्यादा यू नो टाइम प्रेशर होता है, यू शूटिंग फॉर 12-14 आवर्स, बट उसमें भी अगर आप एक परफेक्शनिस्ट का रोल करते हो एंड यू आर नॉट लीविंग दैट, यू आर डिटर्मिंड टू मेक इट परफेक्ट, आई थिंक दैट्स रियली कमेंडेबल। तारीफ हो गई आज, आज दिन बन गया बॉस। अच्छा, मुझे ये बताओ टीना कि आपको, जैसे हमने सुना है कि इस शो के लिए आपको काफ़ी वेट करना पड़ा और आपका डेब्यू था इससे, तो कैसा रहा वो टाइम और क्या कुछ रहा था? जाहिर सी बात है हमारे व्यूवर्स भी जानना चाहते होंगे। आई थिंक दैट टाइम अ लॉट ऑफ पीपल कॉल इट लाइक अ स्ट्रगल, बट आई कॉल इट लाइक अ लर्निंग प्रोसेस, बिकॉज उसमें से बहुत कुछ अपने बारे में भी सीखने को मिलता है। यू बिकम अ स्ट्रॉन्गर पर्सन। मैं कभी भी फैमिली के बिना नहीं रही, सो इन अ न्यू सिटी वेयर आई हैड नो फैमिली, या इन मुंबई, एंड आई रियली लर्न अ लॉट अबाउट माई सेल्फ, एंड आई थिंक the fact that I did my chartered accountancy somewhere helped me, because jab aap chartered accountancy ke exams karte ho, 15 exams hai, to be determined is really one of the key things. So I think even here I was quite determined to not give up, so I think that's helped me. बिल्कुल सही बात है, और इनकी मेहनत ही है कि इन्हें आज उस शो से डेब्यू कर पा रही है। मुझे कंवर ये बताओ, आपके फादर भी एक्टिंग की इंडस्ट्री में हैं, एक्टिंग की लाइन में हैं, तो कितनी कुछ मदद मिलती है या कितनी कुछ डांट पिटती है? क्योंकि कई बार ऐसा भी हो सकता होगा ना कि पापा ने एक्टिंग देखी और डांट पिटी कि नहीं 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 तुमने कुछ सही नहीं किया। आई डोंट, लकीली मेरे पहले शो से ही मैंने शुरुआत की थी नेगेटिव रोल से, तो आई थिंक माई फादर इज़ नोन मोर फॉर नेगेटिव रोल्स इन बॉलीवुड, तो वो तो इनफैक्ट खुश हो गए थे। बट डांट नहीं, वो सीख देते हैं। ऑब्वियसली 30 साल से इंडस्ट्री में है, तो उन्होंने महाभारत के समय से बहुत कुछ देखा है, तो सीख देते हैं, मुझे बोलते हैं कि किन किन चीज़ों का मुझे ध्यान रखना चाहिए। एंड एक बहुत अच्छी चीज़ है आई थिंक जो उस जनरेशन के साथ ही है, दैट वो स्पेस देते हैं, वो कोई चीज़ थोपते नहीं कि मैं बोल रहा हूँ तो तुम ये करो, ऐसा है। वो सिर्फ ज्ञान देते हैं और अपनी सीख बांटते हैं, एक्सपीरियंसेस बांटते हैं, बस तुम लेके चलोगे तो अच्छी बात है, वरना मेक योर ओन लाइफ। सो बस ये एक चीज़ उनसे सीखिए कि ग्राउंडेड रहो, अपना काम करो, अपने काम से मतलब रखो, दैट्स इट। वाह, और ये काफ़ी अच्छी चीज़ होती है जब आपकी फैमिली मेम्बर, चाहे आपके फादर हों, चाहे आपके मदर हों, या कोई भी हो फैमिली में से, अगर वो उसी फील्ड में होते हैं तो कुछ ज़्यादा मज़ा भी आता है, कुछ नया सीखने को भी मिलता है। पर मुझे ये बताइए कि आप दोनों का शूटिंग एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्या कुछ खास स्पेशल रहा जो आप शेयर करना चाहेंगे? आई थिंक सबसे अच्छा एक्सपीरियंस हमारा मनाली में रहा, क्योंकि ये लड़का कोलकाता का है, लड़की मनाली की है, तो लड़का लड़की को मनाली मिलने जाता है शो के शुरुआत में, तो हमने कम से कम 14-15 दिन का आउटडोर किया था वहाँ, और बहुत ठंड थी, काफ़ी खूबसूरत लोकेशन थे, तो आई थिंक वो कड़कती ठंड में ऐसे कपड़ों में शूटिंग करना, तो आई थिंक मतलब हीरोइन तो हमेशा कभी भी हीरोइन को स्वेटर नहीं पहनाते हैं, ये मेरी कंप्लेन है, चाहे वो बॉलीवुड फिल्म्स में हो या फिर टेलीविजन में हो, पता नहीं हीरोइन को क्यों नहीं ठंड लगती है। बट इट वाज अ लॉट ऑफ फन, एंड वी डिड डिफरेंट काइंड्स ऑफ सीन्स, कभी वो रोड मार्केट प्लेस में, तो कभी माउंटेन्स में, मैं भी बाइक चला रही थी, एक रेस भी होती है उसमें, सो इट वाज अ लॉट ऑफ फन, गुड एक्सपीरियंस। तो कोई ऐसा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगी टीना जो कि कुछ मज़ेदार रहा हो कंवर के साथ?
तुम बताओ मुझे मुझे कुछ याद आया, इसलिए मुझे हंसी आ रही थी। एक हमारा रोड का सीक्वेंस है जो कवर भी उसमें है, पर मैं एक कवर के जो भाई प्ले कर रहे हैं, बलवान का कैरेक्टर है उनका, तो मैं उनको रोड के बीच में पीट रही हूँ। एंड आई हैव हर्ट बिकॉज इज ईव टीजिंग, वो मुझे छेड़ते हैं रोड पर और मैं उनको अच्छे से पिटाई करती हूँ उधर। और ये मैंने सुना है कि इंडिया में काफ़ी होती है ईव टीजिंग, बट आई हैव नेवर एक्सपीरियंस दैट। तो ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था वाइल्ड शूटिंग, तो कुछ रीटेक हुए, कुछ मैंने अपने तरफ से भी रीटेक कर लिए, तो बहुत मज़ा आया। यानी वो पीटने का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। हाँ, ये तो मतलब जोश में आ गई असली में मारने लग गई ये तो। वेरी गुड। और आपका कोई ऐसा कोई भी ऐसा मोमेंट शूटिंग के दौरान जो शेयर करना चाहें? बोलूं नाम वाला? क्या नाम वाला? कौन सा नाम? अच्छा, मुझे अच्छा। पता नहीं ऐसा क्यों, मैं कोई टीना टेलर को जाना करता था एक टाइम पे तो मैं 3 महीने से इन्हें टीना टेलर करके बुला रहा हूँ और ये मुझे जवाब भी देती हैं। और हम बस कुछ दिन पहले सेट पे बैठे थे और मैंने बोला अरे टेलर, बोलती है तुम ये मुझे टीना टेलर क्या बुलाते रहते हो? मैं बोला यार तुम 3 महीने से रिएक्ट तो कर रही हो, बोलते माय नेम इज टीना फिलिप। मैं तो तुम टेलर पे रिएक्ट क्यों कर रही हो? बोलती है मुझे लगा तुम प्यार से बुला रहे हो तो मैं रिएक्ट कर रही हूँ। तो मुझे थोड़े दिन पहले पता चला ये टीना फिलिप है, टीना टेलर नहीं है। तो ये बहुत एक अभी भी मैंने नीचे प्रेस कॉन्फ्रेंस में टीना टेलर बोल दिया। एक्चुअली एक ब्रिटिश एक्ट्रेस है एलिजाबेथ टेलर, सो आई थॉट ही इज कॉलिंग मी टीना टेलर after that kind British of teasing after the British actress main samjha chalo mujhe Elizabeth Taylor ke baad bula rahe hain Tina Taylor to theek hai yani aapko jo laga mazak wo seriously matlab aap to seriously keh raha tha are Taylor are Tina are Taylor idhar idhar you know like that aur ye react bhi kar rahi thi bade pyar se to mujhe laga yaar inhe acha lag raha hoga surname se bula raha hu to but baad mein pata chala surname wo hai nahi वाह। यानी वाकई जितना कुछ हम सीरियल में देख रहे होते हैं ना उससे भी ज़्यादा मज़ेदार किस्से होते हैं जो शूटिंग के दौरान होते हैं, जो हमें कम ही जानने को मिलते हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि आप तक पहुंचाते रहें। वेल ये बताइए, जयपुर आप आए हैं और आपके शो के डायरेक्टर प्रोड्यूसर जयपुर के ही हैं, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा जयपुर का? अभी तक तो हमको इतना देखने को नहीं मिला, बट उन्होंने लिस्ट भेजी है कि ये देखना, तो मुझे तो उन्होंने बोला है हवा महल एंड जल महल देखने के लिए। शीश महल यही है ना? हाँ, आमेर में। ओके, तो वो हमको जयपुर की एंड इवन आफ्टर हम लोग थोड़े बाकी सिटीज़ में भी घूम चुके हैं, बट उन्होंने उनकी रिपोर्ट नहीं मांगी है मेरे को। ऑलरेडी उन्होंने बोल दिया कि बताना जयपुर कैसा लगा, जयपुर के लोग कैसे लगे, तो सिटी घूमने का मौका नहीं मिला, बट लोग अभी तक हमें बहुत प्यारे। ओके, आप तो पहले भी आ चुके होंगे शायद कंवर, या आप फर्स्ट टाइम आए? मेरी को-स्टार थी आकांक्षा सिंह, जो आपके जयपुर से ही हैं। बिल्कुल। तो मैं उनकी शादी पे आने वाला था, लेकिन मैं तब दूसरा शो कर रहा था तो मैं आ नहीं पाया था। तो ये मेरा पहली बार है, 2-3 बार कैंसिल होके मैं फाइनली आज जयपुर आया हूँ। तो बहुत खूबसूरत लगा मुझे तो, और जब हम लैंड किए तब थोड़ी बारिश हो रही थी तो और भी खूबसूरत लग रहा था। बट आई जस्ट होप हम थोड़ा बहुत आज घूम पाएँ, क्योंकि हम रात को ही वापस जा रहे हैं। सो अगर मैं इस टाइम नहीं घूम पाया तो आई थिंक एक और चक्कर लगाना पड़ेगा, उसके लिए आना पड़ेगा। बट वैसे बहुत हिस्टोरिकल एंड द आर्किटेक्चर आई वाज सीइंग इज वेरी इंट्रिकेट, मतलब बहुत डिटेल में आर्किटेक्चर, उसका एक हिस्टोरिक बैकग्राउंड भी दिखता है स्ट्रक्चर्स एंड बिल्डिंग्स में। बिल्कुल, यहाँ की तो खूबसूरती के कहने ही क्या। तो चलिए, अब जाते जाते हमारे व्यूवर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप दोनों? हम यही कहना चाहेंगे कि एक बहुत प्यारा सा शो लेके आ रहे हैं आपके लिए, एक आस्था ऐसी भी, जो कि स्टार प्लस पे आएगा 3 अप्रैल से दोपहर के 1:30 बजे। जी हाँ, स्टार प्लस दोपहर का स्लॉट शुरू कर रहा है 12:30 से 2:30 का। तो उसमें बहुत बढ़िया शोज आ रहे हैं, उसमें से एक हमारा है जो 1:30 बजे आएगा। तो बस हमारा शो देखिए, काफ़ी डिफरेंट तरीके का शो बनाया है और आपको बहुत पसंद आएगा। बहुत ड्रामा है इसमें, बहुत नोकझोंक है इसमें, बहुत प्यार मोहब्बत है इसमें, फैमिली ड्रामा है। तो बस वी जस्ट होप दैट यू लाइक व्हाट वी आर गेटिंग फॉर यू, एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज लविंग माई वर्क पर्सनली, एंड आई होप यू गिव एन इक्वल और मोर अमाउंट ऑफ लव टू टीना एंड टू अस एज अ जोड़ी एंड टू आर शो एंड टू एवरी वन एज अ फैमिली ऑन आर शो। तो बस देखिए हमारा शो 3 अप्रैल से। नहीं, बस आप देखिए एक आस्था ऐसी भी, हमारे शो को बहुत सारा प्यार दीजिएगा। एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द शो इज़ टू बी अ गुड पर्सन, तो इस होली अगर आप एक अच्छा डीड कर सके तो हमको बहुत अच्छा लगेगा। सो थैंक यू एंड टेक केयर एंड बी सेफ। थैंक यू सो मच, आप दोनों ने हमारे व्यूवर्स को इतना टाइम दिया। वेल गाइज, आज के एपिसोड में इतना ही, नेक्स्ट एपिसोड के जरिए फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक टेक केयर, गुड बाय।